धीरेंद्र शास्त्री यानी बागेश्वर धाम सरकार जो आजकल लोकप्रियता के शिखर पर है, उनकी जो बातें कदम कदम पर लोगों को चौंकाती हैं, जो लोगों को सोचने के लिए मजबूर कर देती हैं, फरियादी के कुछ बताने से पहले ही वे बातें बाबा के कागज पर लिख जाती हैं, पीड़ित के दिल में जो बातें होती हैं उसके कुछ बोलने से पहले ही बाबा की जुबां पर आ जाती हैं। बोलो, ये दरबार भी बहुत जरूरी है। जो कहते थे भगवान नहीं होते, सनातन में कुछ नहीं है, सब पाखंडी है, सब जो है ऐसे ही है, उनके मुंह पर तमाचा मारने के लिए हनुमान जी का दरबार भी जरूरी है। ऐसे बाबा बागेश्वर धाम सरकार धीरेंद्र शास्त्री की चर्चा आजकल हर जुबान पर है। धीरेंद्र शास्त्री यानी बागेश्वर धाम सरकार के बारे में लोग कहते हैं कि ये बाबा का चमत्कार है, और बाबा कहते हैं यह बागेश्वर धाम महादेव महावली का चमत्कार है। कोई कहता है कि अंधविश्वास है, तो कोई कहता है इसमें सच्चाई है, चमत्कार है। और जो हलीलुला कर करके जो धर्म को परिवर्तन कर रहे थे, अब उनके मुंह पर तमाचा है, आपको अब दूसरे धर्म में जाने की आवश्यकता नहीं है। कलयुग में हनुमान जी राजा है, और हनुमान जी ही आपके सब संकटों का हरण कर देंगे, जाओ आशीर्वाद। और बाबा ने तो अब खुलेआम चुनौती दे दी है कि जो भ्रम फैला रहे हैं वह बंद कर देना, वरना झंडा गाड़ दूंगा। इसीलिए तो धर्म विरोधी पीछे लग गए कि जो बाबा बड़ो खतरनाक है। पर आई एम नॉट बाबा, हम कोई बाबा है ही नहीं है। हम जब तक सनातन का झंडा नहीं गाड़ देंगे, तब तक पीछा नहीं छोड़ेंगे। लोगों की समस्याओं का निदान करने वाले लोकप्रिय धीरेंद्र शास्त्री बागेश्वर धाम सरकार के बारे में जब हमने गोटे गांव के सुप्रसिद्ध धार्मिक क्षेत्र परमहंसी आश्रम में विराजमान ब्रह्मचारी अचलानंद जी से सवाल किया, तो उन्होंने कहा सभी लोगों को अच्छी सद्भावना रखनी चाहिए। मन को अच्छा बना लो, मन को शांत कर लो। जो शांति की जिंदगी जीते हैं उन्हें कोई समस्या ही नहीं रहती। उन्होंने कहा गलत आदतों, गलत भाषा और गलत व्यवहार से ही लोग दुखी होते हैं। यदि व्यक्ति अपनी इन्हीं गलत आदतों, गलत भाषा और गलत व्यवहार को सुधार ले तो जीवन सफल हो जाएगा। ब्रह्मचारी अचलानंद जी ने कहा कि दो बातें होती हैं, एक धर्म है तो दूसरा परोपकार। जब कोई व्यक्ति धर्म के हिसाब से कार्य कर रहा है तो अच्छा है, लेकिन यदि कोई कार्य राजनीति, दिखावा या व्यवसायीकरण के लिए किया जाता है तो वह अच्छी बात नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री समाज हित में कार्य कर रहे हैं तो ये ठीक है। और मेरे पागलों, अब तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं। अगर तुम सब साथ हो तो भारत हिंदू राष्ट्र हो। गुरु जी, वर्तमान समय में धीरेंद्र शास्त्री जी बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर के बारे में कंट्रोवर्सी चल रही है कि कुछ अनाप शनाप जो भी बोला जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे, आपका क्या मत है उनके बारे में? अब आप पूछ रहे हैं, हमारा मत तो भी बताना चाहते हैं कि जिस तरह से हम समाचारों में और चैनल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, दो चीजें हैं, एक धर्म है, एक परोपकार है। यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य से धर्म का काम कर रहा है तो अच्छा है, किसी के स्वास्थ्य के लिए कर रहा है तो अच्छा है, लेकिन यदि उसमें राजनीति होती है, यदि वो दिखावा होता है और उसको व्यवसायीकरण कर दिया जाता है तो वो ठीक नहीं होता, क्योंकि ईश्वर के द्वारा दिया गया कोई भी आशीर्वाद, कोई भी वरदान कुछ समय तक रहता है, एक समय सीमा रहती है उसकी। यदि उसका उपयोग करोगे तो ठीक है, दुरुपयोग करोगे तो समाप्त हो जाता है। रहा सवाल धीरेन्द्र कृष्ण का, तो यदि वो समाज के लिए, लोगों के लिए कर रहे हैं तो ठीक है, अन्यथा जो जिस तरह से आज जो स्थिति चल रही निर्मित है वो ठीक नहीं है। क्या कहना चाहेंगे, आजकल चमत्कार को ज्यादा नमस्कार किया जाता है। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी जो आगे देख के लोगों का भविष्य बताते हैं, क्या है इसमें, क्या ये कुछ सच्चाई रहती है इन चीजों में, या क्या रहता है? अब जिस तरह से हम अभी तक तो उनसे मिले नहीं कभी, व्यक्तिगत यदि हम उनसे मिलेंगे या उनसे हमारी कोई चर्चा होगी तब हम बता पाएंगे। हमारे शास्त्रों में और वेदों में ऐसा बताया गया है कि एक यक्षिणी होती है, एक कर्ण प्रशासनी होती है विद्या तंत्र के माध्यम से, वो भविष्य नहीं बता सकते, भूत वर्तमान बता सकते हैं, ये निश्चय है। यदि उनके पास वो विद्या है तो बता रहे हैं, लेकिन समाज के लिए काम करें तो अच्छा है, अन्यथा उसका दुरुपयोग करेंगे तो उनके लिए ठीक नहीं होगा। ये कौन कौन अपने इष्ट हनुमान जी के चरणों से जुड़ना चाहता है? क्या तुम जुड़ना चाहते तो दो शर्तें सुनो, एक हमारे चक्कर में मत पड़ो, और दूसरी शर्त आज से ही बागेश्वर हनुमान जी का चक्कर पकड़ लो। गोटेगांव से अनिल जैन की रिपोर्ट।